गुजरात के लोगों को न्योता देने आए थे, खास करके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, फिर प्रतिपक्ष नेता, साधु संत, उद्योग जगत और हमारे भाजपा, तो सभी को न्योता देने आए थे कि आप आइए, आपके लिए व्यवस्था बनी है। तो इस विषय में मैं उनके साथ था। मेरे साथ और भी सहयोगी रहेंगे और पूरी टीम रहेगी, हम साथ मिलके जो भी चैलेंज है वो चैलेंज को उठा लेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ संगठन है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ से लेके प्रांत तक का हमारे क्षेत्रों का जो संगठन है उसको सहयोग लेके साथ लेके विजय पाना निश्चित है। निश्चित क्या है कि पहले यहाँ गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं और गुजरात के संगठन के साथ भी उन्होंने काम किया है, तो वैसे कोई ऑफिशियल कोई हमारी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश और गुजरात के बारे में हम लोग तो वैसे मिलते रहते हैं। तो वहाँ जाने से पहले मेरा कुछ कहना उचित नहीं है, पहले उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में कहाँ जाना होगा उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। देखिए ये सब घबराए हुए हैं नरेंद्र भाई मोदी की ताकत से, देश देश जिस तरह से विश्व में देश का नाम रोशन हुआ, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, हर भारतीय न सिर्फ भारत में विदेश में जहां भी बसता है उनका भी गौरव बढ़ा है। इसलिए लोग विपक्ष में चाहते हैं नरेंद्र मोदी साहब से घबरा के अस्तित्व का संग्राम लोग लड़ रहे हैं, उनके लिए न कोई एजेंडा है, न प्रोग्राम है, न देश को कहाँ ले जाना है उसका कोई निर्धारित कोई रास्ता तय नहीं है, ये तो अपना अस्तित्व बनाने के लिए करेंगे। वो डार्विन का एक प्रिंसिपल है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व का संग्राम है, वो देश के लिए गठबंधन नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन। रीजन बड़ा है तो पार्टियां डेमोक्रेसी में होना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन पार्टी रीजनल हो भले, सोच नेशनल होना चाहिए, क्योंकि देश हम सबसे ऊपर है, राज्य का भला हो वो भी बात अच्छी है, लेकिन रीजनलिज्म कुछ हद तक और राष्ट्रवाद सर पे रखना चाहिए। देखिए हमारा तो टारगेट हर सीट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर सीट जीतना हमारे लिए आवश्यक है, उसके लिए जो भी मशक्कत करनी पड़ेगी हम करेंगे और हमारी संगठन की जो व्यवस्था है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो पुराना उत्तर प्रदेश था, अब आप निसंकोच कहीं भी जा सकते हो, है बना है, बन रहा है, बना, तो इसके लिए लोगों में भी बहुत एक बदलाव सा आ रहा है जनजीवन में, तो स्वाभाविक रूप से विजय पाना निश्चित।